और शेर सुनिएगा। तो भले ही मुझे से दूर है, तू भले ही मुझे से दूर है, तेरी याद मेरे पास है। शुक्रिया। तू समा गया, मेरी रूह में तू समा गया, मैं क्यों ना इसका गुमान करूं, तू खुदा है। कर्म से आदमी महान कहा जाता है। क्या बात है। कर्म से महान कहा जाता है, सारी दुनिया की वो पहचान कहा जाता है। कर्म नारायण श्री राम जी ने नेक किए, कर्म नारायण श्री राम जी ने नेक किए, कर्म से राम को भगवान कहा जाता है। कर्म से बहुत अच्छा, क्योंकि ये नेक काम आज हमारे आदरणीय विष्णु जी ने किया, यहाँ बहुत बड़ा रक्त शिविर यहाँ लगाया, और मैं दिल से माँ से प्रार्थना करती हूँ कि उनका ये कार्य निरंतर बढ़ता रहे। बहुत बड़े बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके, मतलब शब्दों के द्वारा मैं नहीं बता सकती, और जैसा कि समय मिला है एक मुक्त हो गया, एक गजल पढ़ो। मैं बहुत छोटी सी गजल पढ़ूंगी, आप लोग यदि थोड़ा हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम लोगों को आशीर्वाद आपका मिलेगा, थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तू खुदा है मेरे नसीब का। आदरणीय शारदा दीदी हमारी बैठी हैं, बहुत प्रसन्न हो रही हैं, मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। तू खुदा है मेरे नसीब का, ये राज कैसे बयां करूं, तू खुदा है मेरे नसीब का, तू खुदा है मेरे नसीब का, ये राज कैसे बयां करूं, तेरे इश्क में मैं फना हुई, ये राज कैसे बयां करूं, तू खुदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू खुदा है मेरे नसीब का, और शेर सुनिएगा। तू भले ही मुझे से समा गया, मेरी रूह में तू समा गया, मैं क्यों ना इसका गुमान करूं, तू खुदा है मेरे नसीब का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला शेर देखिएगा। ये रात की खामोशियां, ये रात की खामोशियां, और प्यार में गहराइयां, ये रात की खामोशियां, और प्यार में गहराइयां, मेरा दर्द तो है बेचैनी,
बेरहम ये राज कैसे बयां करो, तू खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आज आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, आखिरी शेर है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, ताउम्र तेरा साथ हो, तू डूबा मुझे शुरूर में, तू डूबा मुझे शुरूर में, नसीब का ये राज कैसे बयां करूं, तू खुदा है। बहुत बहुत शुक्रिया।